देखिए ध्यान से, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि यार जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके अंदर किस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जाता है, किस तरीके से हाइट निकाली जाती है। हाइट निकालने के लिए हमने टॉप मोस्ट पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखा। हमने टॉप मोस्ट पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन के बीच में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास एच के बराबर निकल के आया। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा निकल के आई। फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन मैंने जीरो ले ली वर्टिकल डायरेक्शन की। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जीरो है क्या? नहीं, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन वाली जीरो है। फिर मैंने एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन को कितना ले लिया? जी के बराबर। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन को कितना ले लिया है? जी के बराबर ले लिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस फॉर्मूले में अपन ने वैल्यूज को पुट किया। जैसे वैल्यूज को पुट करता हूं तो मेरे पास हाइट का फॉर्मूला निकल के आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या निकल के आता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली जाती है? तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए। आप इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद वी कैन इजीली कैलकुलेट दी हाइट। आप थीटा पुट करेंगे, आप इनिशियल वेलोसिटी पुट करेंगे, ठीक है? आप थीटा पुट करो, इनिशियल वेलोसिटी पुट करो, जी तो कांस्टेंट है, टू को पता है, यहां पर वैल्यू पुट करते ही हाइट निकल आएगी प्रोजेक्टाइल की। हाइट निकल आएगी प्रोजेक्टाइल की, कोई दिक्कत वाली बात इसमें किसी को भी नहीं होनी चाहिए। फिर अपन चलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करते हैं। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाता है? तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूरे जर्नी का कितना है? देखिए पूरे जर्नी की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्टाइल ऐसे गया और स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंड पोजीशन पे सेम लेवल पे आ जाता है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पर जीरो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये गया ऊपर तो वापस नीचे आ गया। भाई इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना चला मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो इसने वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया पूरे जर्नी के लिए? तो दैट वाज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज यू साइन थीटा। टाइम टी तो हमें निकालना ही है। एक्सेलरेशन जी के बराबर है क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो मैंने माइनस जी ले लिया। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में वैल्यूज को पुट किया, टी की वैल्यू आ गई 2u sin थीटा अपॉन जी। एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। आप बोलोगे सर ठीक, मैं भी बोलूंगा ठीक, लेकिन आप पूछोगे सर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, हाइट आ गई, अब आप मुझे बताइए रेंज कैसे निकालेंगे सर? तो रेंज निकालने के लिए देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर करूंगा रेंज। फॉर कैलकुलेशन ऑफ द रेंज, रेंज निकालने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या करेंगे ध्यान से देखो। रेंज निकालने के लिए मैं वही प्रोजेक्टाइल को दोबारा से ड्रॉ करता हूं। मैं उसी प्रोजेक्टाइल को दोबारा से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे। ध्यान से देखो, ये रहा थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी और ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा ऊपर और यू कॉस थीटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम जानते हैं मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो अपन बोल सकते हैं दैट व्हाटएवर इज द रेंज या व्हाटएवर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, व्हाटएवर इज द डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हाउ टू कैलकुलेट दैट डिस्टेंस? वी विल राइट डाउन दैट व्हाटएवर इज द स्पीड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज निकालो तो व्हाटएवर इज द स्पीड, स्पीड कितनी है? u cos थीटा। और टाइम कितना है? तो टाइम है 2u sin थीटा अपॉन में g, 2u sin थीटा अपॉन में g। अब देखिए यहां पर u से u मल्टीप्लाई हो गया, बन गया u स्क्वायर, नीचे आ गया g, अंतर बच गया 2 sin थीटा cos थीटा। ध्यान से देखिए 2 sin theta cos theta, this is the identity, this is an identity of, ये identity किसकी है? sin 2 theta की है। तो हम यहां लिखेंगे u square by g sin
थीटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज कैलकुलेशन. हॉरिजॉन्टल कितना रेंज चलता है, हॉरिजॉन्टल कितना इसने डिस्टेंस चला, वो कैलकुलेट अगर मुझे करना है तो व्हाट वी आर डूइंग, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे. उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे. हम इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू रखेंगे, हम इस फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे एंड हमारे पास रेंज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी. तो दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है. आप बस लॉजिकली सोचिए कि सर इसमें हो क्या रहा है. अगर आपको रेंज निकालनी है तो रेंज कैसे निकालोगे आप, u स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा. अगर आपको हाइट निकालनी है तो हाइट कैसे निकालोगे सर आप, तो मैं बोलूंगा हाइट निकालने के लिए u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g. ठीक है, आप बोलोगे सर टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2u sin थीटा अपॉन g एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें. ठीक है, लॉजिकली चलेंगे, लॉजिकली सोचेंगे. यहां पर हम थोड़ी सी बात और आगे करते हैं. क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे कि सर मैक्सिमम रेंज कब देखने को मिलेगी, ऐसा हम कितने एंगल पे फेंकें. आप इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रखो. मान लो आपके पास 10 पत्थर हैं, आप उन 10 पत्थर को 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो करते हो, लेकिन अलग अलग एंगल पे थ्रो करते हो. एक को 10 डिग्री पे किया, एक को 20 डिग्री पे किया, एक को 30 डिग्री पे किया, एक को 40 पे किया, एक को 50 पे किया, एंड सो ऑन. आप अलग अलग एंगल्स पे थ्रो करते जा रहे हो. आप ये चेक करना चाहते हो कि अगर इनिशियल स्पीड सभी प्रोजेक्टाइल्स की सेम है तो किस एंगल पे मैक्सिमम रेंज आपको देखने को मिलेगी, किस एंगल पे मैक्सिमम रेंज आपको देखने को मिलेगी, ये आप चेक करना चाहते हो. So in order to check this, कि सर मैक्सिमम रेंज हमें कब देखने को मिलती है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए हम यहां पर मैक्सिमम रेंज को चेक करने के लिए what we will do, मैं लिखता हूं केस वन, जिसमें लिखता हूं मैक्सिमम रेंज. केस वन इज ऑफ मैक्सिमम रेंज. मैक्सिमम रेंज का केस देखिए. मैक्सिमम रेंज के केस में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाए, या फिर बोले यू स्क्वायर बाय जी साइन टू थीटा जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए. अब इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको बोला कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने आपको बोला है क्या है, कांस्टेंट. इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बट थीटा आप चेंज कर सकते हो. तो देखो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फॉर एनी साइन फंक्शन. देखो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर एनी साइन फंक्शन द मैक्सिमम वैल्यू इज वन. साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, वन से ज्यादा कभी साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज वन. तो मैं बोल सकता हूं कि साइन टू थीटा जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, so that can be equal to 1, or we can say ki sin 2 theta will be equal to sin 90, kyunki 1 ki value sin 90 pe hi aati. That means 2 theta ki value kiske barabar honi chahiye, 90 degree ke, ya that means theta ki value kitni honi chahiye, 45 degree. That means ki agar mujhe projectile ki chahiye maximum range, main chahta hu ki mera projectile phekne pe lambi duri pe jaye, sabse dur jaye, ऐसा अगर मैं चाहता हूं, ऐसा अगर मैं चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए अपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने पे हमारा प्रोजेक्टाइल सबसे दूर जाता है, मैक्सिमम दूरी पे जाता है, सबसे दूर जाता है, मैक्सिमम दूरी पे जाता है हमारा प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम दूरी पे पहुंचेगा. ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल की, तो प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या हो रहा है, मुझे अगर मैक्सिमम दूरी पे फेंकना है तो मेरा फंक्शन जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए. अगर मेरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस टाइम पे साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है. अब साइन मैक्सिमम कितने पे होता है, 90 डिग्री पे. ठीक है, तो टू थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45. आप याद रखेंगे कि सर जब भी 45 डिग्री के एंगल पे हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो उसकी रेंज मैक्सिमम आएगी 21 से. ठीक है, जब भी हम 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो उसकी रेंज मैक्सिमम आएगी, सबसे दूरी तक जाएगा, सबसे दूर तक जाएगा.
हाइट की भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी रेंज की बात की जा रही है। तो जब थीटा, तो मैं बोलता हूं एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री द मैक्सिमम रेंज, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री द मैक्सिमम रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी साइन 90, और वी कैन से दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है, आर मैक्स का फॉर्मूला बन जाता है यू स्क्वायर बाय जी ओनली। आर मैक्स का फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया, यू स्क्वायर बाय जी ओनली, खत्म बात। किसी को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। किसी को कोई डाउट है तो एंड्राइज कर दो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले। फटाफट बताइए, एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट तो रेज योर हैंड्स। यस यशिका टाक, बताइए बेटा। सर गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। सर आपने कहा कि 2 थीटा की वैल्यू 90 होगी, लेकिन सर थीटा की वैल्यू 90 नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि साइन थीटा तो 1 आता है ना, साइन 90, तो हमने 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 क्यों लिया है? ध्यान से देखिए, इस अनम्यूटी रहना, ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ध्यान से देखो, हमारे इस फंक्शन में क्या साइन थीटा है कि साइन 2 थीटा है? साइन 2 थीटा। तो हमारे पास इस साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो मैंने वही किया, मैंने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला कि भाई ये मेरे पास फंक्शन प्रोवाइडेड था, इस फंक्शन में साइन 2 थीटा पूरा जो फंक्शन है ये 1 के बराबर हो जाए तो मेरा फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, मैंने ये कहा। अब 1 की वैल्यू तो 90 पे होती है, तो मैंने नेक्स्ट लाइन में इस 1 को साइन 90 से रिप्लेस कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड फिर क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं दोनों साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, फिर कंपेयर करता हूं बोथ साइड्स, और यहां से थीटा की वैल्यू 45 आती है। बेटा अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि सिर्फ थीटा होता है। मैं बोलता हूं कि सिर्फ थीटा नहीं है, कभी कभार डबल एंगल्स भी देखने को मिलते हैं, कभी कभार ट्रिपल एंगल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उनकी भी अलग अलग आइडेंटिटीज होती है। मुझसे यहां पर साइन थीटा को मैक्सिमाइज करने को नहीं बोला, मुझे इसने बोला कि साइन 2 थीटा को मैक्सिमाइज करके बताओ। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो साइन 2 थीटा को हमने मैक्सिमाइज किया, इसलिए उसको 1 के बराबर पुट किया, इसने साइन 2 थीटा की वैल्यू साइन 90 के बराबर पुट की और थीटा बराबर 45 है। आई, अब देखते हैं केस नंबर 2। सो केस नंबर 2, एक सिंगल प्रोजेक्टाइल है बेटा। जो केस नंबर 2 है ना, थोड़ा भारी भरकम सा है, भयंकर है, ध्यान से देखना, अगर थोड़ा सा भी रह गया ना तो निकल जाएगा दिमाग से, लेकिन अगर पूरा देख लिया तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो लोग ऐसा ये क्या बता रहे हैं तो पता ही था। देखना ध्यान से, एक प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने किसी थीटा एंगल पे फेंका, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने थीटा एंगल पे फेंका, और वही सेम प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, मैंने बोला कि एक प्रोजेक्टाइल था, उसको मैंने 30 मीटर पर सेकंड से एक बार तो 30 डिग्री पे फेंक दिया, और एक बार इसी को 30 मीटर पर सेकंड से एक बार 60 डिग्री पे फेंक दिया। अब अगर 60 डिग्री को देखा जाए तो ये तो 90 माइनस 30 हो गया ना, दैट मींस एक तो थीटा एंगल हो गया और एक क्या हो गया, 90 माइनस, मतलब I am throwing one projectile at an angle theta, और उसी same projectile को मैं दोबारा 90 minus theta पे फेंक रहा हूं, तो देखना चाहता हूं क्या होने वाला है। ठीक है, तो केस का नाम क्या लिखेंगे अपन, यहां पर केस का नाम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, रेंज एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। अब देखिए रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब एक बार मैंने क्या किया, फॉर एंगल थीटा ले लिया, तो रेंज का फॉर्मूला यही आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब एक बार मैंने क्या किया, फॉर 90 माइनस थीटा ले लिया, जब मैं 90 माइनस थीटा की बात करता हूं तो आर टू की वैल्यू निकल जाती है यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन में जी।
290 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में जी। अब याद करिए वो एएसटीसी का ग्राफ, किसका ग्राफ, अरे एएसटीसी का ग्राफ याद करो बेटा, ये हमने बनाया एएसटीसी ग्राफ, येलो ऐसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये बनाई एक्स एक्सिस, ये बनाई वाई एक्सिस, यहां पर ए, यहां पर एस, यहां टी, यहां सी, एएसटीसी। अब हम कहां चले गए, 180 माइनस 2 थीटा मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट 180 के फॉर्म में लिखा है तो साइन का तो साइन ही रह जाएगा और 2 थीटा ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा, नीचे जी रह जाएगा। मतलब देखिए जब मैंने इसको सॉल्व किया ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, पीरियोडिसिटी यूज करके, तो रेंज का फॉर्मूला वापस से 2 u स्क्वायर sin 2 थीटा / g आ गया। अरे यार, अरे ध्यान से समझो, अरे यहां से क्या दिखा, यहां से ये दिखा कि थीटा पे फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंको, रेंज बराबर रहेगी, हाइट अलग अलग आ सकती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बात किसकी कर रहा हूँ, रेंज की कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, दिखाओ तो सही, फिजिकली कैसे पता चलेगा हमें, तो इस ग्राफ से आपको समझ में आएगा। मैं एक ही ग्राफ में मैक्सिमम रेंज भी दिखाऊंगा, थीटा और 90 माइनस थीटा वाला केस दिखाऊंगा, गौर से देखें क्या होगा, ठीक है, गौर से देखेंगे क्या हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा देख के। तो एक बार मैंने ये प्रोजेक्टाइल फेंका और एक बार मैंने ये फेंका, एक तो मैंने थीटा पे फेंका, दूसरे को मैंने 90 माइनस थीटा पे फेंका। एक प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से जाता है, एक प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से जाता है और दूसरा प्रोजेक्टाइल कुछ किस तरीके से जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही प्रोजेक्टाइल जो है वो अलग अलग एंगल पे थे, दोनों की वेलोसिटी सेम थी, दोनों की जो हाइट है वो अलग अलग है। देखिए एक की हाइट आ गई मान लो h1 और एक की हाइट आ गई मान लो h2। यू कैन सी दैट इस केस के अंदर हाइट तो अलग अलग आ गई, रेंज दोनों की सेम आ गई, ठीक है, हाइट डिफरेंट हो सकती है, रेंज सेम हो सकती है। अब आपको क्वेश्चन में कभी ऐसे दे दिया जाए कि बताओ क्या होगा अगर मैं एक बार थीटा एंगल पे फेंकूं और एक बार 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकूं तो क्या होगा प्रोजेक्टाइल के साथ। आप बोलेंगे सर अगर मैं एक बार थीटा एंगल पे फेंकता हूं और एक बार 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकता हूं तो हाइट प्रोजेक्टाइल की अलग अलग हो सकती है लेकिन रेंज दोनों प्रोजेक्टाइल की सेम रहेगी। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, मैं बोलूंगा देख लो फॉर्मूले से अपन ने इसको प्रूव करके दिखाया। अब आप बोलोगे सर 45 डिग्री वाला एंगल भी बना के बता दो फिर, मैं बोलूंगा ये लो अगर 45 डिग्री एंगल पे फेंका होगा तो हमारा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज को शो करेगा लाइक दिस। तो देखिए जब 45 पे फेंका, ये मैंने 45 यहां पर एंगल दिखा रखा है, तो मैं तीनों प्रोजेक्टाइल्स को यहां पर आपको शो करके दिखा दिया, मैंने मैक्सिमम वाले को भी दिखा दिया, मैंने मैक्सिमम वाले को भी दिखा दिया, उसके बाद मैंने किसको दिखाया है, मैंने 90 माइनस थीटा और थीटा पे दिखा दिया। मान लीजिए क्वेश्चन आता है फॉर एन फॉर ए प्रोजेक्टाइल एट ए प्रोजेक्शन एंगल 15 डिग्री एंड फॉर ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन एंगल 75 डिग्री व्हाट विल बी द रेंज, तो दोनों की रेंज सेम रहेगी, फॉर्मूले पुट करो आंसर निकाल, फॉर्मूले पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, बताइए सबको ये बात क्लियर है कि नहीं है। यस एवरीवन, यस एवरीवन, फर्स्ट 11th क्लास स्टूडेंट्स डोंट जस्ट सिट, सिर्फ बैठो मत, हैंड रेस करो, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो फिजिक्स में इतना कुछ पढ़ना है, मजा आ जाए। फिजिक्स 11th क्लास की है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, 12th में क्या चार्जेस और मैग्नेटिज्म और इन सब पे पढ़ाई होती है, 12th में ठीक है, मैं 12th को आसान बोलूंगा, 11th टफ है, 11th टफ इसलिए क्योंकि इसमें मैकेनिक्स पोर्शन है, पार्ट सेकंड आसान है, पार्ट सेकंड बुक का आपका आसान है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप रट्टा मार के भी कर सकते हो, लेकिन जो पार्ट फर्स्ट है ना उसको बिना समझे नहीं किया जा सकता, ठीक है। मैकेनिक्स पोर्शन जो है ना
वो सबसे टफ पोर्शन होता है, उसमें फील आनी जरूरी है। अगर फील नहीं आएगी अंदर से, दिल से आवाज आनी चाहिए कि हाँ सर अब थोड़ा समझ में आया, तब आपको लगेगा कि हाँ आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप है ना इसको रटने की कोशिश करोगे तो सवाल गलत करके आओगे। समझने की कोशिश करो, फील लेने की कोशिश करो, फिजिक्स फील लेने की चीज है, इमेजिनेशन है आपका, जितना इमेजिन करोगे मजा आ जाएगा। नमन सुरोलिया, हमें आपकी शक्ल नहीं देखनी, मेरी शक्ल दिख रही है यहाँ पर सबको, वही बहुत है, आपने तो अपना कैमरा ही ऑन कर दिया। चलिए देखिए, वैसे नमन इज रेगुलर इन दी क्लास, गुड, अच्छी बात, रेगुलर रेगुलर रहते हो तो अच्छा है। आइए अब मैं हाइट का एक, हाइट और रेंज की बात करूंगा, किसके लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर केस ओनली। ये जो थीटा और 90 माइनस थीटा वाला केस था ना, इसमें रेंज और हाइट के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। ध्यान से देखो, फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा प्रोजेक्शन एंगल, फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा प्रोजेक्शन एंगल्स, रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। दोनों ही प्रोजेक्शन एंगल्स के लिए रेंज जो है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी के बराबर है। चलिए बहुत सिंपल सीधी सी बात है। अब हम क्या करते हैं, दोनों ही केसेस के लिए फॉर थीटा एक बार हाइट निकालते हैं। तो एच वन विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और एक बार फॉर 90 माइनस थीटा के लिए हाइट निकालेंगे तो एच टू विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, तो ये बन गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब देखो मैं हाइट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एच वन को मल्टीप्लाई कर दिया एच टू से। ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, एच वन को जैसे एच टू से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4g स्क्वायर, अपॉन में 4g स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो यहां से 4 का, डिवाइड करो यहां से 4 का, मल्टीप्लाई किया यहां पर 4 का, डिवाइड किया 4 का, तो यहां पर मेरे पास बन गया देखो u की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16g स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में बन गया एच वन इंटू एच टू, और राइट हैंड साइड में मेरे पास बन रहा है 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, गौर फरमाना क्या हो रहा है, गौर फरमाइए क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको लिख सकता हूँ यू की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16, लेकिन 16 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं तो ये बन गया 16h1h2 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, इधर बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं मैं इसको, क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप अपन क्या करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, सो यहां पर लिख दो, ये बन गया यू की पावर 4 बन जी स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। लेट्स एस पे आ गया 16 टाइम्स एच1 एच2, गौर फरमाइए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर कर रहा हूं 16 टाइम्स एच1 एच2 बराबर u स्क्वायर बाय g साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। बेटा ये तो रेंज हो गई, तो आप बोलोगे सर ये तो रेंज है, r स्क्वायर लिख दो, ठीक है, तो मेरे पास बन गया 16 टाइम्स h1 h2 बराबर r स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो बना 4 टाइम्स h1 h2 अंडर रूट विल बी इक्वल टू r, एंड दिस इज इक्वल टू ए रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज किस किस के बीच में, थीटा एंड 90 माइनस थीटा प्रोजेक्शन एंगल्स के बीच। जब भी प्रोजेक्शन एंगल्स थीटा और 90 माइनस थीटा मुझे देखने को मिलेंगे, जब भी प्रोजेक्शन एंगल्स मुझे थीटा या 90 माइनस थीटा देखने को मिलेंगे, सो फॉर दोज प्रोजेक्शन एंगल्स what we will do, for those projection angles theta and 90 minus theta, हम height और range के बारे में बात जब भी करेंगे तो ये निकलेगा मेरे पास relation 4 times under root h1 h2 will be equal to r, and ये बहुत important relation है जो कि previous examination में हमसे पूछा जा चुका है।
क्योंकि प्रीवियस एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जा चुका है। दोबारा से देखो क्या किया मैंने, दोनों पे हाइट निकाली, h1 की वैल्यू निकाली, h2 की वैल्यू निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, एक आइडेंटिटी बनाई sin 2 थीटा की, रेंज का फॉर्मूला क्रिएट किया, LHS पे 16 टाइम्स h1 h2 दिख रहा है, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एक रिलेशन मिलता है दोनों प्रोजेक्टाइल्स की हाइट और रेंज के बीच में, दैट इज 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h1 h2 विल बी इक्वल टू रेंज। एंड ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद, आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं? फास्ट, यस एवरीवन, टेल मी इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। यस बेटा, यस 11th क्लास स्टूडेंट्स, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, मजेदार। अब अपन एक और चीज की बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड रेंज फॉर थीटा इक्वल टू 45। तो यहां पर मैं केस नंबर 3 डालता हूं, लिखता हूं रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड रेंज एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। So, यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहले हाइट का फॉर्मूला जो कि रहता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और फिर मैं लिखूंगा रेंज का फॉर्मूला जो कि रहता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। दोनों में 45 पुट करो, दोनों में 45 पुट करो, यहां पे भी करो, यहां पे भी करो, दोनों में 45 पुट करने पर क्या देखने को मिलेगा? तो हाइट का फॉर्मूला देखने को मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g, और यहां से मेरे पास देखने को मिलेगा r is equal to u square sin 90 degree by g। यहां से हाइट का फॉर्मूला बना u square by 2g into 1 by 2, यहां से मेरे पास फॉर्मूला बना u square by g। अब देखिए u square by g की वैल्यू r है, उठा के इसमें पुट कर दूंगा तो ये बनेगा h is equal to r by 4, या फिर बोले range is equal to 4 times h एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब जो 45 डिग्री का एंगल होगा उस टाइम पे जो हाइट और रेंज रहेगी उसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, ये रहेगा। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज थीटा 45 डिग्री पे रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द हाइट, रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द हाइट। कब होता है ये रिलेशन, कब ये रिलेशन वैलिड है? तो दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड व्हेन द एंगल इज, या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। बताइए ये तीसरा केस सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे किया मैंने, सबको क्लियर है तो फटाफट हैंड रेज करके बताएं मुझे। कुछ नहीं है बेटा, फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूले वैल्यू पुट की और कुछ नहीं किया, बाकी तो इधर उधर सब्स्टिट्यूशन किया है, वहां से रेंज निकाले यहां पुट की, यहां से रेंज निकाले वहां पुट की, बस यही तो कर रहा हूं। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछे गए, मैं उनको डायरेक्टली आपको कर रहा, क्वेश्चन के फॉर्म में ना करवा के मैं आपको डायरेक्टली उसे करवा। Yes, everyone. Rumsha, Shivani, Yukta. चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। अगला टॉपिक आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो अब मैं वो उन बच्चों को बोलता हूँ एंड्रेस करिए जिनको कोई डाउट